खबर नरसिंहपुर से है, जहां किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा निकाली। ये यात्रा नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से कलेक्ट्रेट तक पहुंची। यहां पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश का किसान बेहद परेशान चल रहा है, किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम भी नहीं मिल रहा है और पूरे प्रदेश में खाद बीज माफियाओं ने पैर पसार लिए हैं। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, अनाप शनाप बिजली के बिल किसानों को ना दिए जाएं। इन तमाम मांगों को लेकर कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली और ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की मांगे जल्द नहीं मानती तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालविया की रिपोर्ट। क्या कहेंगे भाई साहब, ज्ञापन सौंपा है किसानों की बदतर हालत को लेकर प्रदेश में। आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसान न्याय यात्रा पूरे जिले के किसान और कांग्रेस आज किसानों की आवाज उठाने के लिए, किसानों की मांगों के लिए। वर्तमान में किसानों ने मूंगे बेची हैं समर्थन मूल्य पर, किसानों की मूंगों की जो है राशि उनके खाते में नहीं आई। वैसे तो जून के माह में जैसे ही मूंग आती है और समर्थन मूल्य पर खरीदी होना चाहिए, पर जुलाई और अगस्त के महीने में जाके खरीदी होती है और ये सितंबर का महीना चल रहा है, अभी तक किसान परेशान है क्योंकि बहुत लागत लगती है और आधे से किसानों ने मूंग को दलालों को, व्यापारियों को बेच दिया है और दलाल ही फायदा ले रहे हैं। अभी बियर हाउसों में जो मूंग खरीदी गई, बियर हाउस वाले भाजपा के नेताओं के सारे पर उनके कमीशन पर 25% माटी में ला के और बियर हाउस भरे जा रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और वास्तव में किसान को जो फायदा मिलना चाहिए किसान को फायदा नहीं मिल पा रहा। फसल के बारे में अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश में समय अतिवृष्टि हो रही है, उनकी दलहन की फसलें खराब हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज पूरे जोश के साथ किसानों के सम्मान में पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र सिंह जी जहाँ इंदौर में लोगों के सम्मान में उतरे हैं, किसानों के सम्मान में उतरे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में एक विशाल रैली के साथ वहां पर किसानों के सम्मान में उतरे हुए हैं। साथियों, आज इसी तरह हर मुख्यालय पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो खास तौर से हम जो किसानों के सम्मान में उतरे हैं तो आप सब जान रहे हैं कि इस समय अतिवृष्टि से फसलें खराब हो चुकी हैं। किसानों को जो मूंग की फसलों का इन्होंने खरीदी करी थी सरकार ने, वो उसका भुगतान आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। और तो और भी पुराने हमारे गन्ना का पेमेंट नया साल आ गया, फैक्ट्रियां फिर से शुरू होने वाली हैं, पर अभी पुराना भुगतान अभी भी बाकी है। आज किसानों के लिए सोयाबीन हमारे आज मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। आज से 10-15 साल पहले भी यदि वहां पर समर्थन मूल्य जो था 4500 रुपए था, आज भी आप उसी रेट पे किसानों के समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हो। हमारी मांग है जिस तरीके से लागत बढ़ी है उस हिसाब से आज यहाँ पर कम से कम किसानों को 6000 तो न्यूनतम मिलना चाहिए, 6000 से ज्यादा मिले तो बहुत अच्छी बात है। क्या दिक्कत है मध्य प्रदेश में? पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान इस समय केंद्र में कृषि मंत्री है, उनके हाथ में आज निर्णय लेने की बात है। कैबिनेट को प्रस्ताव पारित लाके प्रस्ताव पारित कराए, आपने महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए वहां पर आप दे रहे हो, तो क्या ग्रेज है कि आप मध्य प्रदेश में नहीं दे सकते किसानों को? यह हमारी मांग है। आज समर्थन मूल्य की बात यदि हम करें तो गेहूं का आज कम से कम 2750 रुपए के ऊपर किसानों को मिलना चाहिए।